कैसे हो प्यारे साथियों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे चैनल पर दोस्तों गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जो भी न्यू अपडेट होते हैं सभी आपको दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक बहुत ही बड़ी जो है पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है कि पिछले अभी जो आने वाला एक साल है, MP गवर्नमेंट 1 लाख सरकारी नौकरी युवाओं को देगी। दोस्तों, लेकिन MP में स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। टीचर भर्ती वर्ग 3 की, वर्ग 1-2 वालों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम फॉर्म लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है फिल किए हुए। और भी पहले तो हम MP गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप 1 लाख भर्ती निकाल लोगे, हम ठीक है आप मान लेते हैं, लेकिन आपको पहले जो पुरानी भर्तियां हैं उनको आप क्लियर कीजिए, तभी स्टूडेंट का जो है आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो ये सभी जो बातें हैं हवा हवाई जो है स्टूडेंट को लगती हैं। तो पहले तो MP गवर्नमेंट जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनको बहुत जल्द ही क्लियर करें। वर्ग 1 और 2 वाले स्टूडेंट बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, सिलेक्ट होने के बाद भी वो पिछले 1-2 साल से जो है बेरोजगार बैठे हुए हैं। वहीं वर्ग 3 वालों का एग्ज़ाम तो हो ही नहीं रहा, उन बेचारों के लिए डेट पे डेट जो है दी जा रही हैं। तो MP गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि आप उनकी भी जो है सुने, और आप 1 लाख भर्ती निकालोगे बहुत ही अच्छी बात है, आप निकालिए भर्ती। जो MP के स्टूडेंट हैं जो बेरोजगार हैं वो तो यही चाहते हैं आप भर्ती निकालें, लेकिन आपकी बातों पर भरोसा तब होगा जब आप जो पुरानी भर्तियां हैं उनको जो है क्लियर करें। जैसे MP पुलिस भर्ती का एग्ज़ाम पिछले साल फिर हुआ था, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, अभी जनवरी में उसकी एग्ज़ाम डेट दी हुई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो है 1 लाख भर्ती पिछले 1 साल में 2021-22 में देने की घोषणा की है। आपका क्या कहना है दोस्तों इस पर, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हो। धन्यवाद।